नमस्कार, आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है। जैसे आपने टाइटल देखा, आज हम पोजिशनल स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें अप टू 100% अपसाइड का पोटेंशियल आपको मिल सकता है, राइट। तो उसका डिस्कशन करेंगे। हम दो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ईपीएल लिमिटेड। स्टॉक का नाम है ईपीएल लिमिटेड। उसका चार्ट आप देखेंगे, मैं वीकली चार्ट कर देता हूं यहाँ पे। आप वीकली चार्ट उसका देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखाई देगा, एंड काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, लास्ट 1 ईयर से एक ही रेंज में। एंड लास्ट कुछ वीक्स से आप देखेंगे तो वॉल्यूम बार में भी आपको एक्टिविटी दिखेगी, एंड प्राइस में भी आपको एक्शन आपको दिखेगा। तो इसमें अच्छा पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ तक है तो उसका मैं आपको दिखाऊँ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 290-300 के आसपास। दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, एक यहाँ पे है अराउंड 310 के आसपास, एंड एक यहाँ पे 290 के आसपास, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल आपको दिख सकता है। इस स्टॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे अप टू 50% मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 170-180 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो पोटेंशियल ज़्यादा आपको दिखाई देगा, एंड वॉल्यूम में भी यहाँ पे एक साफ अपसाइड देखने को मिली है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप इस स्टॉक को वॉच कर सकते हो, ईपीएल लिमिटेड, राइट। अब जो दूसरा जो स्टॉक है वो उसमें क्या है कि ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है L&T फाइनेंस, राइट। L&T फाइनेंस होल्डिंग जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है L&T फाइनेंस होल्डिंग। इसका आप चार्ट देखेंगे, इस चार्ट को समझने के लिए मैं आपको दूसरा एक चार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इजी रहेगा, राइट। तो दूसरा जो चार्ट है ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी अभी ये M&M फाइनेंशियल का चार्ट है वो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मूवमेंट इसमें हो सकता है, राइट। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जबरदस्त गिरावट आई थी जो कोविड टाइम में, उसके बाद यहाँ पे एक डीप कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, राइट। एंड आप यहाँ पे देखेंगे, इस एरिया से आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला, मींस ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, राइट। आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 180-190 के आसपास, उसके बाद 300 के आसपास मूवमेंट हुई थी, एंड अभी भी ये कप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो क्या है कि अभी जो ये स्टेज में जो ब्रेकआउट हुआ है वो स्टेज में अभी L&T फाइनेंस का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, तो उसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। आप देख सकते हो यहाँ पे जून जुलाई मंथ 2022 में ये ब्रेक हुआ था रेंज, एंड उसके बाद आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स में यहाँ पे 50% का मूवमेंट आपको देखने को मिला था। अभी मैं आपको L&T फाइनेंस का चार्ट दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अभी आप इसका चार्ट देखेंगे, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी यहाँ पे एक नैरो रेंज में मूवमेंट हो रहा है, एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी बना है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो जैसे अभी M&M फाइनेंशियल में ड्रॉ करा था,
तो यहां से भी एक अच्छा पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये स्टॉक्स में भी आप क्या है कि वॉच कर सकते हो। इसमें हम नेक्स्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हैं। मैं अभी क्रॉस लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं एक बार। तो आप देख सकते हो ये जो क्रॉस लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ करी है, इसको रिमूव कर देता हूं। तो यहां पे क्लियरली एक रेंज आपको ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई देगा, राइट। आपको ट्रायंगल पैटर्न भी दिखेगा। तो इसमें भी अच्छा पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा है चार्ट में। आप देखेंगे तो 140 150 यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, एंड उसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट 175 के आसपास है, एंड उसके बाद आप देखेंगे तो 200 के आसपास है। तो इसमें आप देख सकते हो आने वाले टाइम में काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप वॉच आउट कर सकते हो, एंड आप देखेंगे लास्ट तक तो इसमें यहां से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 100% तक का मूवमेंट भी आपको मिल सकता है, राइट। लास्ट टाइम आप देखेंगे कि जैसे यहां पे रेंज ब्रेक करा था ये 2013 टू 2016, तो यहां से भी एक बड़ी बाउंस बैक हुआ था, राइट। यहाँ पे अराउंड 200% का मूवमेंट देखने को मिला था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक लो रिस्क सेटअप आप कह सकते हो। तो ये स्टॉक्स भी आप वॉच आउट कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो ये दो स्टॉक थे, ईपीएल लिमिटेड एंड एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, जो मुझे आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। इन ये स्टॉक पोजिशनल है, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि कल से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझिए पोजिशनल मतलब वो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन होता है। तो आप जितने भी पुराने वीडियो से आप उसमें देखे किस तरह से मूवमेंट आता है, तुरंत नहीं आता है हर एक स्टॉक में। ऐसा नहीं है कि कल से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखें। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपको इसमें सीखने को मिला होगा, एंड आपको ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।